नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज, मैं हूं पीसी सैनी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर गली गली और गांव गांव क्षेत्र क्षेत्र में शोर मच चुका है। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में आज हम हैं, बामरडा जोड़ा नाम स्थान है, वहीं पर हम चर्चा करेंगे राजनीति में रुचि रखने वाले इन लोगों से। जानते हैं कि श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार जीत किसकी हो रही है, कौन पहन रहा है जीत का ताज, क्या कांग्रेस होगी रिपीट, क्या आएगी बीजेपी या फिर कोई निर्दलीय उम्मीदवार बनेगा सरताज, तमाम बातें जानेंगे। इन्हीं से चर्चा शुरू करते हैं और पता करते हैं कि श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा राम सिंह खैरवा है। तो खैरवा साहब, इस बार श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है? वो हरी जी बताएंगे, अपन तो वोट के बारे में बता सकते हैं। हाँ जी, बताइए वोट आप किसको कर रहे हो? बीजेपी को देंगे। तो आप बीजेपी को अपना कैंडिडेट मान रहे हो, तो आपके पास कितने क्या वोट है, तो खुद का ही है या फिर आपकी रखते हो राजनीति में? इंटरेस्ट कितना है आपका? राजनीति इंटरेस्ट नहीं है आपका, तो केवल पर्टिकुलर आपका है जो आपका जाएगा बीजेपी को। हाँ सही है बाबू जी, आप बताए, नाम बताए अपना। मेरा नाम है उदाराम जी। उदाराम जी, राजनीति में भाग लो? भाग लेंगे। कत्तो काई कुन को काई माहौल लाग रहे है? माहौल मन तो लाग रहे है खर्रा को, जाबर सिंह जी खर्रा का। तो जाबर सिंह जी खर्रा को माहौल के हिसाब से लाग रहे हो था ने? भाई लाग रहे है जनता को माहौल। हाँ, जाबर सिंह जी खर्रा जो है थे बता रहे हो भाई बाकू माहौल है, तो बाकी व्यक्तित्व क्या को है जाबर सिंह खर्रा के बारे में आप थोड़ी पर्सनल बात करा, बाकी व्यक्तित्व क्या को कहीं है भाई? हाँ तो हाँ, थारे पास केवल थारो खुद कोई वोट है या फिर 10-5 वोट या रखो हो? अड़े, अड़े आओ दस ग्यारह वोट। आप रुके, एक बार रुके, चर्चा करें, बताओ जी। 10-11 वोट से। अच्छा 10-11 वोट, सारे बीजेपी जा रहे हैं थारा? सारा बन जा रहे हैं। गांव कौन सा है थारो? मेरे गांव तो वही है बामोडा जोड़ा। हाँ, बामोलडा जोड़ा सू थारी तरफ सू जाबर सिंह जी निकल रहे हैं? निकल रहे हैं हमारे तरफ। बाकी जो दो कैंडिडेट हैं दीपेंद्र सिंह जी हैं, बलराम जी यादव भी आ रहे हैं निर्दलीय। हाँ, अब देखो बांगो आप, आपको नसीब है फिर भाई जी। तो चलिए आगे चर्चा और करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं ताकि हमारे दर्शकों को पता चल जाए। दीनाराम जी गणित। तो दीनाराम जी, इस बार श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है वो पार्टी वर्सेज पार्टी है या फिर कैंडिडेट वर्सेज कैंडिडेट हो रहा है? लहर है बीजेपी की। बीजेपी की लहर है, तो कहने का मतलब पार्टी वर्सेज पार्टी है। टक्कर किस में रहेगी, बीजेपी कांग्रेस में या फिर निर्दलीय में? या कौन खास का? नहीं, अब आप बता रहे हो नहीं, ये तो भाई माहौल के हिसाब से अभी नहीं, अभी तक बीजेपी वालों को निर्दलीय को 10-12 हजार ज्यादा कौन लिया? अब एक ही उम्मीद ज्यादा होता हूँ जो कहीं खरीद सका था। बाकी फिलहाल जो थारे हिसाब से बात करें स्थिति की, तो वो है कि बीजेपी लीड कर रही है आराम से करिए खूब। तो फिर राजनीति में कत्ता का सक्रिय हो, एक तो मतलब जहाँ खुद का वोट तक आपस सीमित रहा, तो एक वोटता नहीं था ऑलरेडी सुन लिया था। अच्छा, डोला को तो फिर सुनो, आप सुनते हो आसपास में देखते हो, माहौल का तो पता चलता ही है, तो किसका क्या लहर चल रहा है अब तक का जो माहौल बना है आज तक की आज की तारीख में? तो अरे कांग्रेस कांग्रेस वो थी जी स्टैंड पर, अरे अब करना अब का चुनाव में बीजेपी बीजेपी हो रही है। आप बताएं अपना नाम। शिवराम सिंह खैरवा। तो शिवराम सिंह जी, मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ, राजनीति में कहाँ तक इंटरेस्ट आपका, फिर उसी हिसाब से आपसे सवाल करेंगे। हाँ जी, फुल इंटरेस्ट है शुरू से। तो आप एक तो चुनाव आप लड़े हुए हो? 91 में लड़ा था। 91 में किसका लड़ा था? एमपी का। एमपी का, तो आप अच्छा बता पाएंगे क्योंकि आप खुद एक उम्मीदवार रहे हुए हो, प्रत्याशी रहे हुए हो। तो श्रीमाधोपुर का जो चुनाव हो रहा है इस बार 2023 का, तो पार्टी वर्सेज पार्टी हो रहा है या कैंडिडेट वर्सेज कैंडिडेट हो रहा है? पार्टी हो रहा है और कैंडिडेट दो ही रहे, तीसरे की तो कोई खास उम्मीद नहीं है। मतलब मार्केट है ना वो डाउन है, वो पहली बार आए हैं, लोगों में रुझान कम है और टक्कर तो जाबर सिंह जी और दीपेंद्र जी के बीच रही। कहने का मतलब साफ है कि जो टक्कर यहाँ श्रीमाधोपुर में हो रही है वो बीजेपी और कांग्रेस में है। बलराम जी का भी आपके अगर कथन के अनुसार माहौल इतना नहीं बन रहा है जी। तो अभी बीजेपी में और कांग्रेस के अंदर यहाँ पे ट्रेंड चलता है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये फिक्स है या फिर इस बार जैसे कह रहे हैं कि भाई की गहलोत सरकार
जो है सरकार ने जो सुविधाएं दी ना उनका लोगों को इतना फायदा मिला नहीं है और उनमें इंटरेस्ट भी नहीं है। ये फायदा दिया है ना उसके साथ नुकसान भी हुआ है। तो आप ट्रेन के हिसाब से बात करो या फिर अगर इस बार मैं सवाल करता हूं आपसे, इस बार अगर ट्रेन मान लीजिए बीजेपी के विधायक होते और फिर इलेक्शन होते, अब तक तो ट्रेन होता है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अगर मान लीजिए पिछली बार जावर सिंह जी के विधायक रहते और फिर ये चुनाव होते तो भी जावर सिंह आते या फिर नहीं? वो तो देखो अलग बात है, तब उसका तो लेकिन वर्तमान की स्थिति देखते, वर्तमान की स्थिति ये बता रहे हैं एक तो मोदी लहर है, दूसरी बात है कांग्रेस ने विकास कार्यों में रुचि नहीं दी, जैसे हमारे लोकल विधायक हैं यहाँ उन्होंने विकास कार्य नहीं करवाए तो उनके लिए तो जहाँ भी सभा होते बोलते हैं कि विकास फोर्स विकास फोर्स, वो तो बोलेंगे अपनी बात कोई डाउन थोड़ रखता है। आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने? विकास नहीं है, सारे बैठे हैं किसी को कोई विकास नहीं है। मैंने सुना है कि यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम भी रहती है, ये बात सही है या गहरी प्रॉब्लम है? यहाँ बहुत गहरी प्रॉब्लम है, नेटवर्क यहाँ कम रहता है। तो सर अभी आपके कथन के अनुसार हम बात करें कि जावर सिंह जी खर्रा जो है वो लीड ले रहे हैं, तो जावर सिंह खर्रा के व्यक्तित्व के बारे में कोई बात आप? बिल्कुल सादगीपूर्ण व्यक्तित्व है उनका, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा करता है उनको आपस में बैठ के समझाते हैं, थाना तहसील नहीं करते हैं, यही है उनका। तो आप कितने जोश वोश के साथ उनके साथ? मतलब फुल जोश से, पूरे जोश से। तो आपके अंडर एक तो खुद का ही है या फिर जैसे आप तो खुद अब प्रत्याशी रहे हुए हो तो निश्चित रूप से 1500 वोट तो मिनिमम खैर में डाली है सब पे वो रंग तो मतलब। अच्छा, वो ब्लॉक जो है वो बिल्कुल आपने लॉक कर रखा है कि वो सिर्फ पूरे बीजेपी को जाएंगे? भाई 20 कैंडिडेट तो मैं लेके आया, श्रीमान दुर्बाणी जावर सिंह को वहाँ माड़ा पहना के आया था, कल मेरे घर पे मीटिंग करवाई पूरी रहने की। कहने का मतलब अब तक जो फीडबैक मिला है उसमें बीजेपी यहाँ से लीड ले रही है, आगे और चर्चा करते हैं इनसे भी जानते हैं। सर आप बताएं, इधर आ जाइए ताकि क्लियर आ जाए, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं ताकि सबको पता रहे कि भाई बात हम किससे कर रहे हैं। घनश्याम जी। तो घनश्याम जी क्या स्थिति है श्री माधोपुर? बढ़िया है। किसकी बन रही है सरकार यहाँ से? तो बीजेपी के आप बता रहे हो, तो कैंडिडेट के हिसाब से पार्टी के हिसाब से? नहीं वैसे ही रेवड़ी पार्टी से कुछ नहीं होता है। अच्छा रेवड़ी, मैंने 2 महीने में रेवड़ी बांट दी, उससे क्या फर्क पड़ा? 5 साल पहले एक राहुल गांधी ने ये वादा करके गया था कि संपूर्ण कर्जा माफ करूंगा, मैं किस करूंगा, कुछ नहीं हुआ, कर्जा माफ नुकसान हो रहा है, बेचारे लोग मर रहे हैं, जमीन कुड़की हो रही है, कुछ भी कर्जा 1% भी नहीं हुआ। और क्या वजह है कि यहाँ से कांग्रेस हारने के और क्या क्या कारण? यहाँ एक ईंट पत्थर की एक ईंट भी कोई यह कह दे, यहाँ बैठे 19 से कोई भी कह दे कि वहाँ एक ईंट भी किस बीच ने लगाई है विधायक साहब ने जो 5 साल में, तो मान लूँ मैं एक ईंट भी नहीं लगाई, एक रुपये पैसा नहीं लगाया विकास का। यहाँ ये भी रोड बन रही है, ये केंद्र सरकार से बन रही है, प्रधानमंत्री योजना से। इस प्रॉपर स्टैंड के लिए अब तक क्या कुछ हुआ? भी नहीं है यहाँ, एक पानी की भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। आप पानी के लिए कहोगे ना तो पानी नहीं मिलेगा आपको, हाँ या 20 रुपए जेब से निकालो बोतल और पानी पियो, ये है यहाँ के हालात। आपके अनुसार मैं बात करता हूँ कि अब तक यहाँ पर कितना क्या विकास हो जाना चाहिए था इस बस स्टैंड बामाडा बस स्टैंड का? मैं हरि सिंह रोलानिया, बामोडा जोड़ा। ये बामोडा जोड़ा जो स्टैंड है ये 5 ग्राम पंचायतों का मध्य, ये बामोडा जोड़ा बागपत के नाम से जाना जाता है, और यहाँ हरियाणा का सीएम भी आकर के आएगी, इसी स्थान पर के आएगी, मीटिंग कर चुका, और 5 ग्राम पंचायतों का एक अंडर स्टैंड है ये। 5 ग्राम पंचायतों के लोग 24 घंटे यहाँ रहते हैं, केंद्र बिंदु है ये। अब इस केंद्र बिंदु के अंदर सबसे बड़ी तो ज्वलंत समस्या है कि हमारी जो भी बहू भाण बेटियां 5 गांव की यहाँ स्टैंड पर बैठने के लिए, कोई अजीतगढ़ है, नीम का थाना है, जयपुर है, वहाँ जाने के लिए इसी स्टैंड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। अब वो पेशाब पानी के लिए कहीं इधर उधर क्या है कि उनको जाना पड़ता है, तो यहाँ तो नहीं तो कोई पेशाब पानी के लिए सार्वजनिक शौचालय है, तो विकास तो उसको कहते हैं। नंबर 2, यहाँ पर SC ST की बस्ती, रैगर बस्ती है, बावरियों की बस्ती है, अन्य यहाँ कितने कम से कम 70-80 दुकानें हैं, त्रिकोणा है, बामोडा जोड़ा, और 4 क्या है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूलें हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पानी की पेयजल की तो व्यवस्था है ही नहीं, नाम से ही नहीं है, सब टैंकों से मंगवाते हैं अपने अपने स्तर से, और हालात ख़राब है। नंबर 2,
अब यहाँ विकास का इधर देखिए कि बामोड़ा से 1 किलोमीटर आगे कल्याणपुरा मोड़ से शिवड़ी तक की रोड जाती है, बरसात के दिनों के अंदर उस रोड में आज अब जाकर देख लो आप, मैं नहीं कह रहा ये बात, न जनता कह रही है, आप स्वयं जाकर देख लो तो उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं और इतनी गड्ढे हैं कि वो जो वाहन हैं वो उस पानी के अंदर ही क्या है कि डुबकी लगाते हैं। वो माननीय पूर्व विधायक जावर सिंह खरा की बनाई हुई थी, अब वर्तमान में मामूली जिसको कहते हैं ना कि भाई 20 रुपये भी लगाया जाए, वर्तमान विधायक महोदय के द्वारा नहीं लगाए गए। विधायक महोदय तो कह रहे हैं कि सड़कों का शिलान्यास हो रहा है। सुनो सर, आप वहां जाकर देख लो, मेरी तो मैं वो तो मेरे को पता है जिस रोड की आप बात कर रहे हो। हाँ, फिर इधर से ये टोल नाका है, तो टोल नाके से शेडूड़ा से होती हुई वाया तिलोकपुरा जाती है, काश्तकार लोग सीधा श्री माधोपुर इसी रोड का उपयोग करते हैं, हम उधर कर आसपुरा होते हुए थोड़ी जाएंगे, कल्याणपुरा का बामोड़ा का व्यक्ति आसपुरा और थोई होता हुआ श्री माधोपुर थोड़ा ही जाएगा वहाँ मंडी के अंदर, ये तो मंडी रोड सीधी होनी चाहिए ना, तो कोई खड्डे पड़े हुए हैं, हालात खराब है, व्हीकल अगर नया से नया व्हीकल भी चला जाए तो ये मानो कि वो एक्सीडेंट होगा या वो व्हीकल पंचर होगा या खराब होगा, तो विकास तो ये है साहब। नंबर दो हम ये कहते हैं कि नंबर तीन सर, नंबर वन आपने शौचालय बताया जिसकी व्यवस्था नहीं है, नंबर दो आपने बताया, नंबर तीन बताइए। नंबर तीन, यहाँ पर मिडिल स्कूल है एक, अब कहते हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने क्या है कि महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल हमने दी, शिक्षा के क्षेत्र में बता रहा हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो जानी चाहिए थी, तो यहाँ मिडिल स्कूल ही है और एक कॉलेज का ग्राउंड है यहाँ पर, आज यहाँ पीछे देखो कॉलेज का ग्राउंड है, इधर भी कॉलेज का ग्राउंड है, यहाँ अगर मैं कहूँ कि 5 ग्राम पंचायत के बच्चे कम से कम 1500 बच्चे हम कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल हो तो, और गरीब बच्चों का भला हो, तो असली विकास तो उसको कहते हैं कि एजुकेशन में क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास होना चाहिए। नंबर दो, चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ के लोग 7 किलोमीटर थोई जाना पड़ता है, यहाँ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर झालडी जाना पड़ता है और 10 किलोमीटर अजीतगढ़ जाना पड़ता है, और कोई चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी यहाँ डिस्पेंसरी होनी चाहिए, उप स्वास्थ्य केंद्र तो होना ही चाहिए। बताइए, हमारे झालडी हॉस्पिटल है, अरुण जी शर्मा डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं और भीड़ लगती है उनके पास, पूरे हॉस्पिटल की अरुण जी के जो थोई थे तभी भीड़ लगती थी, वो वाकई में भी भीड़ लगती है, पूरे हॉस्पिटल की पट्टियां टूटी हुई हैं, वो अपने निजी आवास में देख रेख कर रहे हैं, तो कम से कम हॉस्पिटल तो सार्वजनिक है ना, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हाँ, प्रशासनिक दृष्टि से कि यहाँ थोई और अजीतगढ़ नए पंजाब बनने जा रहे हैं, क्योंकि इतना ड्रग्स का धंधा हो रहा है और उनसे जो युवा लोग बर्बाद हो रहे हैं साहब, और यहाँ मैंने सुना है कि रास्ते में भी क्या है कि ड्रग्स का क्या है कि धंधा कारोबार चलता है, तो उससे क्या है कि युवा पीढ़ी अलग विमुख हो रही है और वो एक जो माता पिता के सपने हैं वो सपने चकनाचूर हो रहे हैं, धूमिल हो रहे हैं वो, और वो बर्बादी का खेल है उन बच्चों का, उनका फ्यूचर खराब। अगर कंट्रोलिंग प्रशासनिक के ऊपर हो और दबंग ही हो तो हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो थोड़ा बहुत क्या है कि प्रशासनिक वो तो होना ही चाहिए प्रशासनिक तौर पर, और ये जहाँ पर अवैध कारोबार हो रहे हैं तो वो तो बंद होनी ही चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आप ही बताओ। अब आगे और यहाँ पर देखिए, ये तो विकास की बात हुई, सामने है इस इलाके की, अब आल और श्री माधोपुर के अंदर वर्तमान में लहर बीजेपी की चल रही है सर, तो यहाँ से इस क्षेत्र से कांग्रेस इसलिए पिछड़ रही है कि जो अभी आपने 3-4 कारण बताए उसके कारण से, और फिर यहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको हम कहते हैं कि यार आपका राज है और आप विकास कराओ, कि हमारे तो वोट ही इतनी आते हैं इसलिए विकास नहीं होगा आपके यहाँ पर, तो विकास में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर मत अगर कहें जी कि जहाँ 100 कैंडिडेट बीजेपी को दे रहे हैं 5 कैंडिडेट कांग्रेस को दे रहे हैं, तो कांग्रेस का प्रत्याशी अगर विधानसभा का प्रत्याशी है तो उसको विकास खुलकर इस इलाके का करवाना चाहिए ताकि आगे भी लोग जुड़ सकें, परंतु यहाँ भेदभाव है साहब, पूरा पूरा भेदभाव है यहाँ पर। सर जैसे आपने शौचालय की बात की कि भाई बस स्टैंड शौचालय होना चाहिए, और आपने बताया कि महिलाओं को काफी परेशानी होती है, जेंट्स तो कहीं पे भी शौचालय कर लेते हैं, तो उसके लिए कभी आपने
कोई प्रक्रिया की या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आप तक दी कि यहाँ की नीड है, आवश्यकता है, कभी आपने आवाज उठाई उसको? हमने संबंधित कल्याणपुरा ग्राम पंचायत को भी कई बार कहा है और संबंधित जो वर्तमान जो सरकार है और सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं तो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से क्या है कि हमने ऐसी चर्चा परिचर्चा करके उन्हें पूछा ही है, परंतु कोई यहाँ कोई सुनाई नहीं है फिलहाल। तो सर आप बताएं और क्या मुद्दा रहने वाला है श्री माधु आपके गांव के जो क्षेत्र है ये बामड्डा जोड़ा, पानी का विकास, यहाँ के लोग किस मुद्दे को लेकर इस बार वोटिंग करेंगे, मुद्दा क्या रहेगा वोट करने का? पानी का मुद्दा, और ये बता रहा है ना मास्टर जी गुरु जी, वही मुद्दा है अपना। तो ये जो आपने जितने भी बताई है, मुख्य मुद्दा मैं बता दूं यहाँ के 5 ग्राम पंचायतों का, क्योंकि 5 किलोमीटर परिधि में हमारे यहाँ युवा आते हैं और युवाओं को लोग पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो खेल का मैदान है तो इससे की हालात देखो जर्जर हालात हो रही है। यहाँ पूर्व विधायक जाबर सिंह के द्वारा ही चारदीवारी करवाई गई थी, तो इसके अंदर कम से कम ट्रैक बनना चाहिए, इसमें पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारे युवा यहाँ पर प्रैक्टिस करें, दौड़ लगाएं और वो आगे आएं। अब यहाँ ट्रैक है ही नहीं, खेल का सामान ही नहीं है, काय का खेल ग्राउंड है। हमारा तो मुख्य मुद्दा यही है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या है कि आगे मजबूत हो इस इलाके के बच्चों का। आप तो चलिए अब आगे और चर्चा करते हैं और लोगों से जानते हैं। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुद्दा क्या है वोटिंग का? वोटिंग का मुद्दा तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी वाला वो तो चलता है यहाँ, लेकिन अब की बार तीसरा उम्मीदवार दमदार है थोड़ा, इससे बलराम यादव जी, इसलिए मुकाबला रोचक होने की संभावना है। तो मुकाबला आपके हिसाब से त्रिकोणीय होगा, किसी भी तरफ बैठ सकता है? नहीं, किस तरह से? नहीं, घबराने वाली बात है, मुकाबला होने की संभावना। आप कह रहे हो त्रिकोणीय मुकाबला, हाँ हाँ, आपका नजर है, हम जानेंगे कि अभी जो हमने चर्चा की उसमें ये सामने निकल के आया कि जो कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी में ही है, आप कह रहे हो कि अभी निर्दलीय बलराम जी को आप लेके आ रहे हो, तो मैं थोड़ा सा विस्तृत आपसे इस बारे में चर्चा करूंगा कि कैसे किस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं श्रीमाधोपुर विधानसभा की। परिस्थिति त्रिकोणीय मुकाबले में कोई भी निकल सकता है, देखो दमदार नेता है, पहली बार बलराम जी दमदार नेता, दमदार है, आज पहले इतना दमदार आया नहीं था। अच्छा, इससे पहले जो निर्दलीय आए उनका मतलब इतना वर्चस्व नहीं था और बलराम जी का वर्चस्व है, जिसके कारण से आपके अकॉर्डिंग ये त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। जातीय समीकरण, जातीय समीकरण के आधार से मजबूत उम्मीदवार आया है। जातीय समीकरण से कितने के आदव, वो यादव है तो कितने वोट है पूरी श्रीमाधोपुर विधानसभा में यादव हो गए? शायद 40-42 हज़ार वोट, 40-42 हज़ार वोट यादव है, 45 हज़ार वोट जाट है, तो सैनी कितने? सैनी 27 हज़ार के करीबन होंगे, 30 हज़ार के करीबन राजपूत हैं, तो ये जातीय समीकरण के आधार पे ये चुनाव तुलने की संभावना है। बलराम जी के भी चांस है इसमें हमारी नजर में बनते, आप ग्राम से जुड़े हुए हो, आप घूमते हो, तो बिल्कुल आपकी बात बन सकती है। तो आप कह रहे हो कि और बलराम जी को यादव कास्ट के अलावा और कौन सी कास्ट सपोर्ट कर सकती है? कास्ट वो तो देखो मुकाबले में आएंगे तो कास्ट समीकरण तो जाति की बात आप कर रहे हो जी, ऑटोमेटिक बैठ जाते हैं, मुकाबले में आएंगे तो एससी भी देंगे, गुर्जर भी देंगे, क्यों नहीं देंगे। फिलहाल मुकाबले में आते हैं तो लोअर रहते हैं तो अपने अपनी जगह रहेंगे, मतदाता और सैनी भी देंगे, आज की ब्राह्मण भी देंगे, ये नहीं है कि कोई एक कास्ट से ही लड़ेंगे, वो हर कास्ट के वोट लेके चलेंगे और उसका बेनिफिट हो भी सकता है। राजनीति में आपकी भूमिका कितनी क्या है, मतलब कितने क्या सक्रिय हो? एक तो मतलब जैसे कि अपन होते हैं कि बिल्कुल उसमें खो जाना, चुनाव आते ही पूरा उसकी मॉनिटरिंग करना, एक होता है कि भाई खुद का वोट देके आ गए, एक होता है इन्फॉर्मेशन के लिए राजनीति करना। आपकी राजनीति किस कौन सी है वो बताइए, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपसे मैं आगे बात करूं। नहीं, राजनीति में तो हम रुचि रखते हैं, पूरी पूरी रुचि रखते हैं, बात करो अपनी भाषा में कि वोट घुमा दो, वोट घूमते हैं, जनता देखती है, नेता को भी देखो, बढ़िया कैंडिडेट आएगा तो बढ़िया को वोट डालने में शर्म क्या है,
तीनों कैंडिडेट ही बढ़िया है। जावर सिंह जी भी दिखने में सुंदर है, दीपेंद्र जी भी अपने समय में सुंदर थे, बलराम जी भी सुंदर है, तो कैंडिडेट दिखने में तो सुंदर है। अब आप कह रहे हो ना कैंडिडेट देखते हैं, तो वो खुल के बताइए सर। देखिये मैं जान बता रहा हूँ, पब्लिक अपनी आवाज निकाल रही है कि दो बार ये बन चुके हैं, क्या पता तीसरे को भी दे दे। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग इस बात ऐसा है क्या भाई, श्री माधोपुर की जनता परिवर्तन की ओर जा रही है? हाँ, जा रही है। ये सोच कर कि भाई कि इन लाइक कर लें कि इनको काफी समय हो गया जी, तो उसके हिसाब से पब्लिक के में से ही आवाज निकालते हैं लोग। तो वो जो ये आवाज निकल रही है कि भाई कि उनको काफी समय हो गया, 40-45 साल हो गई उनको, इस बार नयों को लाते तो कितने क्या लोग, ये आवाज कितने बुलंद है, कितने लोगों को? 15 तारीख बाद में असली चुनावी समीकरण निकल जाएगा। अगर बलराम जी का दबदबा होगा 15 तारीख तक हो जाएगा, 15 तारीख स्थिति क्लियर हो जाएगी। आज की बात करें, 9 तारीख की बात करें, तो 9 तारीख में कौन सा प्रत्याशी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है, इसके बारे में बताइए। आज की तारीख में पार्टियां दोनों मजबूत चल रही हैं। बलराम जी आज की तारीख में पिछड़ रहे हैं। अब वो चुनावी समीकरण जनता में घूमेंगे, पहला चुनाव है उनका, जनता से जुड़ाव होगा, पहचान बनेगी उनकी, तब मतदाता किधर घूमता है वो बात की बात है। नहीं, आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि इससे पहले जो निर्दलीय आए वो इतना वर्चस्व नहीं थे, बलराम जी का वर्चस्व है इस कारण से। खर्चा भी चाहिए चुनाव में, चुनाव में रुपए खर्च होते हैं, रुपए खर्च करने वाला प्रत्याशी ये दिखता है। नहीं, श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में तो कौन खर्चा करता है, करते हैं क्या, ये खर्चा कर रहे हैं क्या, कौन से क्या खर्चा तो करेगा कोई ना कोई, जी खर्चा तो कौन करता है, पब्लिक अपने अपने जगह घेर रही थी, इस समय तो मजबूत प्रत्याशी था नहीं कोई, अपने अपनी पार्टियों को वोट डाल रहे हैं, तो जैसे फील्ड में डोलेंगे घूमेंगे फिरेंगे तो 15 तारीख तक स्थिति होगी। देखो 15 को स्थिति सामने आएगी कि बलराम जी की स्थिति क्या है, मतलब बलराम जी की स्थिति सामने आएगी कि स्थिति मजबूत है, तो उसके आधार से जनता रुक कर भी सकती है, नहीं बारी जा नहीं सो फिर कांग्रेस बीजेपी में टक्कर है ही, और कांग्रेस बारी इसलिए होगी कि गहलोत की जो राहत कैंप की योजनाएं थी उससे जनता काफी संतुष्ट है। तो आपके क्षेत्र में तो कहां मिले, ये बोल रहे थे ना अभी, क्या आपके यहां तो बावन राम में तो कैंप वाली योजनाएं सबसे ज्यादा बीजेपी वोटर उठा रहे, बोलो आज के टाइम में यहाँ एक भी कोई राहत कैंप की योजना से अछूता नहीं है। आप किसको चाहते हो विधायक के रूप में श्रीमाधोपुर में, ये बताएं। मेरा तो विधायक के रूप में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने वाला चाहिए। नहीं, तीन कैंडिडेट हैं। आपके कथन के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ, आपके सर्वे से अभी जो आपने बताया उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ कि बलराम जी, दीपेंद्र सिंह जी और जावर सिंह जी, आपका इन तीनों में कैंडिडेट कौन है? देखो कैंडिडेट तो जनता चुनेगी, लेकिन मेरी चॉइस तो आपकी पूछ रहा हूँ, हाथ चाहिए फिर से गहलोत सरकार। तो इनमें से फिर अब जैसे बलराम जी हैं, वो है तो वो तो निर्दलीय हैं, अब गहलोत को तो फिर पार्टी की बात करें तो दीपेंद्र सिंह जी हैं, जीत के भी वो गहलोत जी के पास जा सकते हैं। तो आपको पता तो, आपको पता कब चलेगा कि कौन सा कहां क्या कर रहे हैं? फिर तो निकल जाएगा समीकरण 15-16-20 तारीख तक निकल जाएगा। अजी 20 तारीख तक निकल जाएगा, क्लियर 20 तारीख को आपका क्लियर हो जाएगा, 20 तारीख को बता देंगे आपके वोट बन जी। चलिए सर, आपने काफी अच्छी जानकारी दी और ऑटोमेटिक देख लेगी फिर। नहीं ऐसी बात जी, तो चलिए और चर्चा करते हैं, और यहाँ पे आए हैं उनसे करते हैं चर्चा। हाँ ताऊ जी, आप बताओ कि ये जो विधानसभा चुनाव है बामे श्रीमाधोपुर सब कौन जीत रहे हो, सीधो सीधो सवाल। धान दे बंद तो सही दी थी, पर अब कौन सा ये कहीं बताई जाए, हारो तजुर्बो भी तो है ना, थी उम्र लिया हो, कई चुनाव थे देखे हो, वोटिंग कई बार करे हो थे, कई थराख्या के सामने तो काफी चुनाव निकले हैं, तो आज के हालात देखता हूँ, यहाँ को नहीं भाई थे कोई भविष्यवाणी कर रहा हो वहा कोई बात को नहीं, आज का हालात आज की हम बात करा भाई, अब जो माहौल बन गो प्रत्याशी लाग रहे हैं, जावर सिंह जी आपकी मीटिंग कर रहे हैं, बड़े दीपेंद्र जी कर रहे हैं, बलराम जी लाग रहे हैं, सब आप आपके लेवल पर कर रहे हैं चर्चा, तो थार तक भी कोई उड़ती
कोई खबर आई है? हाँ बस सुन बा, कहा आ रही है, कहा जा रही है कि भाई जाबर निकल जाए, जाबर सिंह जी निकल जाए। तो चलिए बामरडा जोड़ा का सर्वे, लोगों से बात की और हम यहाँ पे चौधरी स्टेशनरी एंड जनरल स्टोर पर हैं और वहीं पे लोगों से हमने मुलाकात की है श्रीमाथुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर। यहाँ पर फिलहाल जो आज की स्थिति है, 9 तारीख तक की हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस मतलब पार्टियों में ही टक्कर है फिलहाल, निर्दलीय यहाँ टक्कर में नहीं आ रहे। लेकिन जैसे कि बात करें कि अब समय जैसे जैसे नज़दीक आएगा समीकरण बिगड़ेंगे सुधरेंगे और हालात और भी बदलेंगे। तो अब तक की रिपोर्ट में आपने देखा, इन लोगों की चर्चा हमने की, हमारे चैनल के माध्यम से हम डोर टू डोर जाके स्टैंड टू स्टैंड जाके ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अगर खबर अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा चैनल पे, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े रहें विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर की पल पल की खबर के लिए। किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा निराश, किसके सर पे चढ़ेगा ताज और किसकी बनेगी इस बार श्रीमाधोपुर से सरकार। तो अधिक चर्चा करते हैं, अधिक जानकारी जुटाते हैं कि श्रीमाधोपुर के अंदर किसके बॉडी में ये चुनाव जा रहे हैं, विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हो रहा है जिसमें उम्मीदवार बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय भी है, किसका पलड़ा भारी हो साहब? बीजेपी का पलड़ा भारी, कई दूर में डोर के आए हैं, कल भी डोले थे परसों भी डोले थे, पूरा बीजेपी का माहौल सबसे ज्यादा श्रीमाधोपुर, पूरे श्रीमाधोपुर क्षेत्र की बात बता रहे हैं फिर अपने नहीं, पूरे पूरे श्रीमाधोपुर क्षेत्र की बता रहे हैं, पूरे श्रीमाधोपुर क्षेत्र की। फिर हम गए थे सीकर, सीकर में वहाँ के सब ने यही कहा कि श्रीमाधोपुर से तो जाबर सिंह जी खरा जीते। तो आप यहाँ श्रीमाधोपुर क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र में गए, कहाँ कहाँ तक वो कौन कौन चुनाव में जाते हैं वहाँ? हम पहले हमारा एक उसका वो था उद्घाटन मकान का, वहाँ स्वामी गए थे तो सबसे पूछा कि भाई क्या अगर श्रीमाधोपुर से तो अब की बार बीजेपी आपको पता रहेगा ना, भाई हम तो खुद सीकर में रहे थे, सीकर से में आप सीकर में हाँ रस्ते में जो उनका क्या था कि पोस्टर लग रहे थे ना उगाने के लिए किसी से उद्घाटन का पूछा ना कि जहाँ भी रुके वहाँ पूछा, सब ने यही कहा कि अब की बार जाबर सिंह कर रहे थे सही बात है। चलो नाम कावड़ पाकर काम कर रहे थे, हाँ बामोडा में बामोडा झाड़ली कोली किलानपुरा अरदास का बाद सुरानी माड़ी की जानी की डाणी उधर जांजड़ियों की डाणी सब जगह हम जाके तो इस बार जैसे कि वो बलराम जी भी चलिए कपा तो देखो साहब वो कहाँ तक समझ जाते हैं, 10 तक समझते हैं 8 तक समझते हैं, उनको तो कोई जानता भी है ही नहीं, बलराम जी तो अब भी आकर के कोई सामने आए पहले बलराम जी वो जाने ले रहा था भाई तुम कहाँ है जाबर सिंह जी वहाँ बता रहे बीजेपी से कैसे, तो वो उनका एक वैसे नंबर भी है तो नंबर के हिसाब से या फिर इस बार अगर नंबर नहीं होता उनका तो भी वो जीतने का लहर होती ना लहर बता रहे हमारा हम जहाँ जहाँ भी गए ना तो उन्होंने यही बताया। तो जाबर सिंह जब रैली कर रहे हैं तो रैली में आप कल ही गए हूँ मैं कल हम कल गए पहले यहाँ से गए पुरानी गए पुरानी से गए अरदास का बाद अरदास का बाद से गए हाथी गए हाथी गए से मारियों की डाणी फिर रामपुरा वहाँ तक कल हाँ तो ये इतना ही से ये हम लोग अब की बार जो चुनाव हो रहा है यहाँ से पार्टी वर्सेस पार्टी चलेंगे कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट चलेंगे, देखो साहब सबसे ज्यादा तो इसका पार्टी का भी है और कैंडिडेट का सबसे ज्यादा है, कैंडिडेट जो बढ़िया है उसी को लोग कहते हैं जो उसी को कैंडिडेट तो दीपेंद्र सिंह वगैरह बढ़िया है ये बात मान ली दीपेंद्र सिंह जी को लेकिन वो अभी
चुनाव तक भी जिंदे रहेंगे या नहीं है तो क्यों है नहीं। यहाँ हमारे जो कभी लेकर के आते हैं ना तो उनको पकड़ के तो उतारते हैं, पकड़ के फिर वापस बैठाते हैं। स्वास्थ्य तो है, स्वास्थ्य के वोट तो है, अब पार्टी के हैं तो वोट तो आएंगे, लेकिन अब देखो ना किस में उनको टिकट देगी। भाई इससे तो अच्छा नहीं, वो लड़के को दे देते, वो बोल रहे हैं कि भाई फिर तो वो परिवार वाद हो जाएगा, बेटा परिवार परिवार बनते रहेंगे सरकार। तो ऑप्शन तो बलराम जी भी देना चाहिए, बलराम जी को दे देते। हाँ उनको दे दे, बिल्कुल बात करते हैं। अभी बलराम जी को अगर कांग्रेस के टिकट मिलते तब कितना क्या लड़ाई होती तो बीजेपी कांग्रेस, तो फिर टक्कर टक्कर में होगा, टक्कर होती बैंक टक्कर, और फिलहाल टक्कर नहीं एक तरफा है ये, अभी तो टक्कर है। अभी वो कितने वोट तोड़ लेते हैं बलराम जी, ये तो वक्त बताएगा। बाबूजी आप कुछ गाँव के बारे में कल रैली में मैं था, लेकिन यहाँ जो भी कोई आके जिससे भी पूछते ना वो सब के लिए भाई। एक तो जो राजनीति करो, एक तो जाके साहब एक राजनीति में तीन लगे हो, एक तो चलो वोट देने वाले, एक होते केवल इन्फॉर्मेशन के लिए भाई कि सुन लिया चर्चा हो, एक वो होते हैं जो राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं, उस उत्सव में भाग लेते हैं, वोट दिलाते हैं, वोट घुमाते हैं, आप इन दिनों में किस तरह कौन सी राजनीति करते हैं? हम साहब ये कर रहे हैं कि वोट देंगे, वोट दिलाएंगे, जितने दूर में हम जा सकेंगे उतने दूर में जाएंगे, सारे काम करेंगे। आपके आपके पास टोटल कितने वोट हैं, लगभग कितने वोट आप रखते हो? आप कम से कम भी होंगे तो 10,000 वोट हैं हमारे इस एरिया में, वो सारे उनको टैकल करते हैं, बताते हैं, करते हैं, तो माहौल तो बनता ही है। और आज की बात करें, मोर्चारी की बात करें, एक बार सबको कवरेज करेंगे ताकि सब चले, क्योंकि वक्त है यहाँ पे सभी से बात करें। 9 तारीख आज की बात करें, आज की स्थिति में तीनों कैंडिडेट में कौन जीत रहा है ये मेरा? आज 9 तारीख के अंदर जाबर सिंह खर्रा जीत रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपकी जानकारी दी। तो बामरदा में आज हम हैं और आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमने यही पाया है। तो आज के सर्वे के अंदर जो चर्चाएं हुई है उनमें जाबर सिंह खर्रा यहाँ से हमारे पर्सन नवीन के साथ, मैं पीसी सैनी, आप देख रहे हैं।